चप्पाकार ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और उसके साथियों को बाबा साहब के संविधान से नफरत है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के संविधान के साथ सबसे पहला विश्वासघात कश्मीर में किया था। पूरे देश ने बाबा साहब के संविधान को स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर में अलग विधान चलाया, कश्मीर में हमारे तिरंगे की जगह अलग झंडा चलाया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के दलितों को उनके कोई अधिकार नहीं दिए। कश्मीर इतने दशकों तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। कश्मीर में अलगाववाद फलता फूलता रहा। देश को पता भी नहीं चलने दिया। इस देश में 75 साल तक दो संविधान चले और बाबा साहब के संविधान की बातें करते हैं। क्या बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उन्होंने नहीं लागू होने दिया। 370 की दीवार बनाई थी और जब मोदी आया, दशकों के इंतजार के बाद हमने कश्मीर को आर्टिकल 370 की जकड़ से आजाद करवाया। 370 की दीवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। मैं नांदेड़ के मेरे देशभक्तों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए 370 खत्म होने से आप खुश हैं? अब 370 मरनी चाहिए कि नहीं मरनी चाहिए? क्या 370 को कभी जिंदा होने देंगे क्या? लेकिन देखिए मेरे नांदेड़ के भाई बहन, कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ है। अभी अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला। सरकार बनाते ही जैसे ही ये लोग विधानसभा में गए, इन्होंने 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, ये 370 के पीछे इतना प्यार क्यों है उनको? हमें जम्मू कश्मीर से प्यार है, उन्हें 370 से प्यार है। आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? लाल चौक में तिरंगा फहराया कि नहीं फहराया? लाल चौक में लोगों ने दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? वहां अलगाववादी अलग थलग पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इतना ही नहीं, कश्मीर में विकास को नई गति मिली है।
वहां लोकतंत्र मजबूत हुआ, दलितों को पहली बार